बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? क्या चीन को नाराज करना शेख हसीना के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई? कहीं अमेरिका की आंखों में तो नहीं खटक रही थी शेख हसीना? आज जानेंगे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट, मैं हूं आपके साथ अरुण सुंदरान। बांग्लादेश में पिछले दिनों उग्र हुए छात्र आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी का हाथ माना जा रहा है। इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS का न सिर्फ करीबी बल्कि कठपुतली भी माना जाता है। वहीं हसीना के सत्ता छोड़ते ही विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के भी आदेश दे दिए गए। खालिदा जिया का झुकाव भी चीन और पाकिस्तान की तरफ रहा है। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात ए इस्लामी की सहयोगी है, तो ऐसे उनकी रिहाई बांग्लादेश का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बयां कर रही हैं। बांग्लादेश की नई सरकार का झुकाव किस तरफ होगा, इसका अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में शेख हसीना के तख्ता पलट में पाकिस्तान के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। दरअसल चीन बांग्लादेश को निवेश के नाम पर अपना आर्थिक जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और ना ही बांग्लादेश में दखल दे पा रहा था। शेख हसीना ने अपने 15 साल से अधिक के कार्यकाल में भारत के साथ जहां मजबूत संबंध बनाए, वहीं चीन के साथ भी अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। आवामी लीग प्रमुख भारत के साथ फ्री ट्रेड की राह पर तेजी से बढ़ रही थी, इससे चीन खुद को असहज महसूस कर रहा था। साथ ही चीन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRE के लिए बांग्लादेश में जमीन चाहिए थी, लेकिन शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। इससे चीन उनसे काफी नाराज था। ऐसे में कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बहाने चीन को मौका मिल गया। चीन अपने एजेंट्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से जमात ए इस्लामी को मदद करने लगा। अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में चीन अपनी दखल बढ़ा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश की इस स्थिति के पीछे चीन पाकिस्तान जिम्मेदार हों। घरेलू मोर्चे पर शेख हसीना को जहां इस्लामिक कट्टरपंथी यानी जमाते इस्लामी के लोग घेरने में जुटे थे, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अमेरिका की आंख में भी खटकने लगी थी शेख हसीना। इसका खुलासा खुद शेख हसीना ने कई बार किया था। दरअसल दक्षिण एशिया में घुसपैठ के लिए अमेरिका की बांग्लादेश में खासी दिलचस्पी है। इसके दो कारण हैं। पहला, अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश चीन के करीब ना जाए, और दूसरा, रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश की लोकेशन को देखते हुए यहां अपनी एक पोस्ट बनाना चाहता था ताकि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर वो आसानी से नजर रख सके। इसके लिए वो बांग्लादेश को कई तरह का ऑफर दे चुका था, यहां तक कि इसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश को क्वाड में सीट देने का भी ऑफर दिया, लेकिन शेख हसीना तैयार नहीं हुई। इसके बाद से अमेरिका शेख हसीना से काफी चिढ़ा हुआ था और चाहता था कि वो चुनाव हार जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शेख हसीना चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। शेख हसीना ने खुद किया था खुलासा। इसी साल मई में शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उन्हें एक विदेशी मुल्क से ऑफर मिला था कि अगर वो उनसे बांग्लादेश में एयरबेस बनाने देती हैं तो चुनाव में उनकी आसानी से वापसी करा दी जाएगी। शेख हसीना ने कहा था कि अगर वो उस खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बातों बातों में किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि ऑफर एक वाइट मैन की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था, वाइट मैन ने मुझे धमकी देते हुए कहा था कि ऐसा ना करने से उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन मैंने इसकी चिंता नहीं की। शेख हसीना ने कहा कि वो राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है, मैं देश का कोई भी हिस्सा किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंप कर सत्ता में नहीं आना चाहती। इस बात की तस्दीक शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने भी की है। वाजिद का कहना है कि उनकी मां की सत्ता जाने और देश छोड़ने के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ है। वाजिद ने इशारों इशारों में कहा कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका भी बांग्लादेश में मजबूत सरकार नहीं चाहता, उसकी इच्छा बांग्लादेश की सरकार को कमजोर करने की है, एक ऐसी सरकार जिस पर उनका नियंत्रण हो। वो शेख हसीना सरकार को कंट्रोल नहीं कर सके।
सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, लेकिन ये तरक्की अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रही थी। कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना ये कहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा, ये किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नजर आ रहा, बल्कि कट्टर इस्लामी ताकतों का खतरनाक शक्ति प्रदर्शन है। वक्त के साथ साथ ये परतें धीरे धीरे खुल जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।